हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं साहेबगंज का पहाड़ घूमने। अभी सुबह सुबह का टाइम है और पूरा साहेबगंज अभी धुंधला धुंधला दिख रहा है और इन लोगों का पहाड़ चढ़ने में हालत ख़राब हो रहा है। ये तो अभी से ही पसीना पसीना हो गया है। और हमने कुछ खाने के लिए पानी, चिप्स वगैरह लिया है ताकि ऊपर जाके अगर थक भी जाए तो एनर्जी डाउन ना हो। और यहाँ से साहेबगंज जो सिटी है बहुत ही हरा भरा और सुंदर दिख रहा है। अभी सुबह का टाइम हो गया है लेकिन धूप अभी उतना टाइट नहीं है, इसके लिए हालत खराब नहीं हो रहा है, नहीं तो पूरा पूरा पसीना निकल जाता। और ये सिद्धू कान्हू स्टेडियम, जहाँ की सभी तरह का स्पोर्ट्स लगभग में तैयारी करते हुए और हमें अभी और ऊपर चढ़ना है, देखते हैं किसमें कितना हिम्मत बचा हुआ है। क्योंकि बिहारी लौंडे चले हैं झारखंड का पहाड़ चढ़ने, तो ये भी एक चैलेंज है। और ये बचपन को याद करके मस्ती करते हुए, जा रहे एक अनजान रास्ते पे। अंकल ने बोला आगे झरना है, देखते आगे जाके क्या मिलता है। और एक गलत फहमी हम लोगों का दूर हो गया है, जो कि बचपन में सोचते थे कि पहाड़ चढ़ेंगे तो उस पार दिखाई पड़ेगा कि गांव है क्या है। यहाँ पे एक पहाड़ चढ़ने के बाद दूसरा नजर आता है। ये सब पानी का रास्ता है, पानी निकलता है ना, हैं? नहीं, हम लोग भी थोड़ा आगे जाएंगे। हाँ, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। जो भैया बता रहे थे कि पहाड़ के ऊपर में बस्ती है, आम के पेड़ हैं और लोग रहते हैं यहाँ पे, बहुत ऊपर है। लगता नहीं है कि पहाड़ के ऊपर है। हाय गाइस, आज हम लोग आए पहाड़ घूमने के लिए, हम और मनीष और गौतम भी। गौतम देख रहे तेजी से भाग रहा, पीछे जाके फिर शटडाउन हो जाएगा तुरंत, इसका फिर पंचर होने के बाद। और मनीष यहाँ देख के मुस्कुरा रहे, और देख लीजिए गौतम एकदम फास्ट भाग रहा है। देखिए देखिए देखिए, वो देखिए जा रहा है, ये बस सही है, चालू नहीं कर लगे। कितना ढलान, दौड़ के घर के आ जाते हैं। अब वीडियो चालू हुआ, उस टाइम हम लोग बच्चों दिए से कर रहे थे, इधर से लगता कोई धकल रहा है, कितना ढलान है देखिए। डर लग रहा है कि रास्ता भूल ना जाए, सूखा हुआ है, फिलहाल इस कुआं में तो पानी नहीं है, खंडर की तरह दिख रहा है। और यहाँ पे ये छोटे छोटे जो है, एक ढेला रखने के लिए, कोई आदमी आए कि पानी पिए इस ढेले से,
ये आम जो पहाड़ गिरा है, छोटा है लेकिन इतना सुंदर है, देखने में सुंदर और फोन मेरा स्विच ऑफ हो गया है। ये मेरा दोस्त जो कि रात में चार्ज नहीं लगाया था थोड़ा सा भी, अभी मेरा गर्लफ्रेंड का फोन आएगा, बोलेगा फोन ऑफ क्यों लगा गया। यहाँ पे छोटा सा झरना है, यहीं पे पानी पियेंगे, चढ़ने के वक्त यहीं पर पानी पी के चढ़े थे और मनीष दो बोतल निकाल रहा है, हम लोग भी इसमें पानी भरेंगे। और इसे छोटा सा बोतल रखा हुआ कि जो भी व्यक्ति आन जान करता है लकड़ी लेके। यही वो जगह है जहाँ से झरना का पानी गिरता है। अभी हम लोग ऊपर में हैं और वो पत्थर वगैरह सब नीचे में है, लेकिन अभी ये पूरा सूखा हुआ है। देख रहे हैं ये सब पूरा पानी बहुत कम यहाँ से निकल रहा है, वही जो हम लोग वहाँ पे पानी पिए लग रहा है। तो ये पानी का ही रास्ता है, झरना का रास्ता है। देखिए हम लोगों ने जो बोला था कि पहाड़ हम लोग को चढ़ के जाना पड़ेगा और हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं, वो उस पहाड़ को पार कर चुके हैं। ये बगल से रास्ता था चढ़ने का और देखिए और नीचे एक पहाड़ी स्थानीय लोगों का गिरजाघर है, वहाँ पे वो लोग कभी भी जब बरसात के समय में कुछ खतरा होता है तो इमरजेंसी में वहाँ पर जमा होते हैं। जो बस्ती रहे ना ओकर आगे उन्हें तो ट्रैक्टर चलाता है, वही सोचते रहे कि इतना ऊपर में ट्रैक्टर कहाँ से आ गई, इन्हें से रास्ता बा। पहाड़ के तो सब पेड़ पौधा कटा गई हुआ, यही खातिर ना इतना गर्मी बढ़ता है, सब साहेबगंज के पहाड़ काट के बेच दी। रही जितना काटो था उतने गाछ हुआ था। तोरे खातिर ना तो वजन लेके ना उतर पेबो। इतना मतलब उन्हें ढलान रहे और में वो 50-60 किलो लेके उतरी। हम लोग ऐसे खाली खाली हाथे उतरता नहीं तो लगता कि कौन धक्का देता पीछे से। हाँ कबू पहाड़ नहीं चढ़ ले फर्स्ट बार, यही तो छोट मोट पहाड़ बा, एकरो से बड़ बड़ पहाड़ बा जे की चढ़ता आदमी चढ़ते बा। और इतना दूर चलने के बाद फिर से हम लोग पहुंच गए हैं, बस अब नीचे जाने ही वाले साहेबगंज यहाँ पहुंच गए। और इतना आगे वो रास्ता है, उधर से बहुत चढ़ के जाना पड़ा था। डब्लू को कांटा लग गया क्योंकि ये सब पेड़ में छोटा छोटा दिखता है लेकिन बहुत ही जहरीला पेड़ है और कांटा सब तो इसमें बहुत ही खतरनाक है। कोई बात नहीं, जवान है धावक है भाई, इतना परेशान नहीं होते हैं। छोटे मोटे खरोच ऐसे ही आते हैं और जाते हैं। और इतना मतलब हम ऊपर से लग रहा था कि बहुत कम, देखिए बहुत ऊंचाई है, वहां से उतर कर हम लोग आए हैं पूरा पहाड़, इससे दो दो तीन तीन पहाड़ पार करके हम लोग नीचे उतर चुके हैं सिद्धू और कानू स्टेडियम में।